नमस्कार एएमएस ड्रिल पे मैनुअल महोदय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में। फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन आज का हमारा ये टॉपिक है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का यूज करके हम कैसे सॉल्व कर रहे थे। अब इस लेक्चर में आर्बिट्री फंक्शन का यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, वीडियो के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, फाइंड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना। पहला कि अगर आर्बिट्री फंक्शन, देखिए आर्बिट्री फंक्शन यहाँ पे कितने हैं, एक ही सबमी क्वेश्चन में एक आर्बिट्री फंक्शन है। तो इस मीन्स ये क्लियर हो गया आपका कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो वन होगा, वन ऑर्डर से ज्यादा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे नहीं आएगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आर्बिट्री फंक्शन वन है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आर्बिट्री फंक्शन इज वन, इफ आर्बिट्री फंक्शन is one, then order of partial differential equation is one। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, order of जो partial differential equation होगा one मिलेगा। तो आइए first questions को हम करते हैं। z is equal to हमारे पास दिया हुआ है f x square minus y square, और बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में कर सकते हैं। ठीक है, कहने का सेंस यहाँ पर है कि अब यहाँ पे दो इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, सो वी गेट यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y दोनों साथ में कर लें, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जैसे डेल z होगा स्टूडेंट, डेल z अपॉन डेल x, राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका डेल बाई डेल x एंड f x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले पोर्शन का आप जैसे करोगे एफ डैश आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस पोर्शन का फिर से आप करेंगे डेल बाय डेल एक्स एंड दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब आइए देखते क्या करते हैं, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, ये 2x हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड हियर इज डेल जेड डेल एक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा जब इस तरह के वर्कआउट होंगे तो जो आर्बिट्री फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसको राइट में रखिए, अनदर जो टर्म है उनको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, सिंपल। तो 1 बाई 2x यहां पर और दिस इज डेल जेड डेल एक्स, रिजल्ट क्या मिलेगा आपका एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको चाहिए y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है f ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और डेल z डेल y, डेल z डेल y इज हियर डेल बाय डेल y एंड f x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 2y इसका मिल जाएगा और f डैश, मतलब ये आपका फाइंड आउट हो गया f डैश x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और इनटू में आपका माइनस टू वाई। ओके, दैट इज डेल जेड डेल वन अपॉइंट टू वाई को यहां ले आइए, वन अपॉइंट टू वाई इज डेल जेड डेल वाई और इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट ऐसा क्यों होता है। देखिए, राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है ना अपने आप सॉल्व हो जाता है, सेम कंसेप्ट में आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 को अगर ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 कर लीजिए, तो 2 प्लस 3 जैसे करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या सिर्फ 1 अपॉन 2x डेल जेड डेल एक्स प्लस
1 upon 2y del z del y is equal to 0. ठीक है, टेक एलसीएम एंड सिंपलीफाई, सिंपल सी बात है। तो ये यहां पे चला जाएगा आपका सिंपल y, एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पे 2y या फिर समथिंग, तो ये वर्कआउट सिंपलीफाई करिए y del z del x and plus x del z del y equal to 0. ये आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो y p plus x q equal to 0, ये भी होता है आपका, सिंपल सी बात है y p plus x q is equal to 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था जिसको आप हम कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको कर लेते हैं। टू क्या है, z इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स है, ठीक है, तो z इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, तो जो दो नंबर है उसको हम करते हैं, z इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स। प्रोसेस वही है आपका, है पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। नाउ वी गेट, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई है, तो पहला यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है हमें। सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मीन्स डेल बाई डेल एक्स और एफ वाई अपॉन एक्स है, तो इस फाइंड आउट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एफ डैस वाई अपॉन एक्स। ओके, और फिर इस y अपॉन एक्स का अगेन आपको करना है, y अपॉन एक्स का करेंगे, y कांस्टेंट होगा, 1 बाई एक्स का क्या होगा आपका डेल जेड डेल एक्स, और दिस इज एफ डैस y अपॉन एक्स, इंटू में आ जाएगा y इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये सारा पोर्शन जो है इस लेफ्ट में ले आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा रीअरेंजमेंट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश वाई अपॉन एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये अरेंजमेंट है आपका, पॉजिटिव वाले हो गए तो मैंने कहा डैश वाला जो पोर्शन होता है उसको राइट में रखिए, अनदर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आपको कहाँ भेज देना है, लेफ्ट साइड में। क्लियर, अब आते हैं वाई के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो z इज इक्वल टू क्या आपके पास है एफ वाई अपॉन एक्स है, ठीक, तो अब इसको डेल z डेल y फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, डेल बाई डेल y हो गया और आपका क्या हो जाएगा एफ वाई अपॉन एक्स, तो हमें मिलेगा एफ डैश वाई बाई एक्स मिल जाएगा इंटू, अब इस पोर्शन का फिर से करना है आपको, दिस इज द y अपॉन एक्स का, और दैट इज डेल z डेल y, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट होगा, सिर्फ वाई का करेंगे तो 1 आएगा, मतलब हमें सिर्फ मिलेगा 1 बाई एक्स और एफ डैश वाई बाई एक्स, ये एक्स यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, एक्स डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई बाई एक्स। ओके, इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2 एंड 3 को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट क्या मिल जाएगा 2 प्लस 3, जैसे आप 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो आप देखिए क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ है, सेम है, तो 0 हो जाएगा, मिला हमें क्या एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड प्लस एक्स डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये वाई बाई एक्स का जो समीकरण है हमारा, ये फाइंड आउट हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस तरह से आप इसको रीअरेंजमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब और इसको अगर सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्स देखिए कॉमन है, वाई का आप मल्टीपल कर सकते हो, ये भी सही है, अब टेक्निक जैसा भी यूज करना हो, एक्स कॉमन कर सकते हैं आप, तो अगर एक्स कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स बच जाएगा, और ये वाला y जो यहाँ पे चला जाएगा तो y यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा,
ठीक है, एंड इज इक्वल टू आपका जीरो, एक्स अपॉन वाई कॉमन सिंबल से कर लिया, इज इक्वल टू जीरो, ये आप कहानी कर लिया एक्स अपॉन वाई, यदि वाई यहाँ पे चले जाए। अब सिंपल सी बात है कि ये एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई तो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, तो सिंपल से हमारा जो ये वर्कआउट दूसरा वाला होगा एक्स डेल जेड डेल एक्स एंड प्लस वाई डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाएगा, मतलब आपका जो एक्स पी प्लस वाई आप क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यूज ही होती है आपकी डेल जेड डेल एक्स को हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर ले, देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका, तो आप पहले की तरह इसको कर सकते हैं, इस होमवर्क में आप इसको कंसिडर कर लीजिए। मैं फोर्थ नंबर्स की बात करता हूँ, ई के पावर वाई और फाइव नंबर, फाइव नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट है, गेट 2021 में अभी जो गेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये आया हुआ है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें, जेड इक्वल टू ई के पावर वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर आफ्टर फाइव नंबर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए फोर नंबर्स जो है हमारे पास है, कह रहा है कि z इज इक्वल टू ई के पावर वाई एंड f ऑफ x प्लस वाई, ये दिया हुआ आपको। तो अब इसको हमें आपको वर्कआउट करना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा और बेसिक प्रॉब्लम है और बहुत तो सही तरीके से सही से आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंपल टेक्निक के साथ करेंगे और आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्या होगा यहां पर ध्यान रखिए, ई पावर वाई तो कांस्टेंट होगा तो ई पावर वाई को बाहर कर दीजिए, सिंपल हमें क्या मिलेगा, दिस डेल बाय डेल एक्स और एफ एक्स प्लस, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और हियर क्या मिल जाएगा ई के पावर वाई और ये मिल गया आपका एफ डैश एक्स प्लस, ओके, ये पहला वाला पोर्शन आपका हमें फाइंड आउट हो गया। अब और एक्स प्लस वाई का कर देंगे तो वन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो हमारा टारगेट है इसको, इस वाले, तो इस वाले पोर्शन को इधर ले आइए, मतलब यहां पर डेल डेल जेड अपॉन डेल एक्स और दिस इज द वन अपॉन ई के पावर वाई, ये हो जाएगा और इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस, इस इक्वेशन नंबर टू कर लिया। अब आइए इसी को जेड को हमें करना है ई के पावर वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे यहाँ पे यूवी रूल सप्लाई होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई है और यहाँ पे से डेल डेल वाई और दिस इज द ई के पावर वाई और फिर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस, तो पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू है एक्स वाई है, बट यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का कंडीशन अप्लाई होगा, ई पावर वाई आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई आएंगे एंड प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और दिस इज द ई के पावर ऑफ वाई आ जाएगा आपका। अब बहुत इंपॉर्टेंट है दिस डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के रिप्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, समझिए ये जो पोर्शन है इसके प्लेस पर हम जो वैल्यूज को पुटअप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको इलिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट था, यहां से हम दो चीजों को सीख सकते थे, बहुत कभी कभी यूज होंगी इस प्लेस पर। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इस प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर जेड पुट कर सकते हैं और इतने प्लेस पर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर ये दिख रही है ना, इस ई पावर वाई एफ डैश एक्स वाई की जगह डेल जेड डेल एक्स रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस डेल जेड डेल वाई ये आपका आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स और ये जो वैल्यूज है ये इस प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर वन का यूज करके इस वाले पोर्शन को यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं, ये डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया, मतलब हमें किसी जरूरत नहीं पड़ी, तो बहुत
इस तरह से भी आपको कहीं कहीं बीच में जब आएगा तो वर्कआउट्स हो सकता है, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके आइए अब पांचवें नंबर स्किप करते हैं, जो अभी आपके गेट एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस, चेक कर लें क्या है क्वेश्चंस 5, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड फिर रिजल्ट्स आपको देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जैसे पार्शली डिफरेंशिएट आप करेंगे तो यहां पे देखिए पहला क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमें मिलने वाला है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्लोज हो गया आपका एक्स वाई एंड प्लस एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, डेल अपॉन डेल एक्स और हियर इज द एक्स वाई एंड प्लस डेल बाई डेल एक्स और एफ एक्स स्क्वायर माइनस y। x के रिस्पेक्ट में है तो y कांस्टेंट होगा, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो दिस इज द y एंड प्लस यहां पर आपका आ जाएगा पहला f डैस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके और फिर x के रिस्पेक्ट में आएगा इनटू में 2x आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा आपका डेल z अपॉन डेल x। अब हम क्या करने वाले हैं, जो एफ डैश के अनदर जो टर्म्स होंगे उसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, दिस वाई को इधर ले आएंगे, तो दैट इज योर डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x और एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इस पोर्शन को इधर अगेन ले आ देते थे 1/2x और हियर इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक, ये पोर्शन हमने यहां पर फाइंड कर ली। चलिए इसके बाद मैं यहीं पे इधर फाइंड करता हूं, इस इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स वाई प्लस एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में, एक डिटेल्स में हमने कर लिया। तो अब इस पोर्शन का अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो यहां पे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। एक बार लिख लूं, डेल बाय डेल वाई और दिस इज द एक्स वाई प्लस डेल डेल वाई और एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके देखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां पर अब ये करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो यहां पे एक्स मिलेगा प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इनटू में माइनस टू वाई मिल जाएगा। सिंपल, अब रीअरेंजमेंट फिर से डेल जेड अपॉन डेल वाई और ये माइनस एक्स हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे और माइनस टू वाई और एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस 1/2y को यहां पे ले आ दीजिए, सो डेल जेड अपॉन डेल वाई और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए राइट हैंड साइड सेम आ गया हमारे पास, अपोजिट साइन के साथ है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, बस इक्वेशन 2+3 कर देना है, 2+3 कर देते हैं। देखिए 1/2x ब्रैकेट डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई प्लस 1/2y डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर, देखिए यहां पर 2xy LCM कर सकते हैं आप, यहां पे 2xy LCM, जैसे x होगा तो यहां पे y आ जाएगा y और ब्रैकेट में हमारे पास है डेल z डेल x माइनस y प्लस यहां पर x हो जाएगा ब्रैकेट में आपका पास है डेल z डेल y माइनस x इक्वल टू 0। मल्टीपल कर दीजिए y डेल जेड डेल एक्स
माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड डेल वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो वाई माइनस ये राइट साइड में ले जाइए और ये बाकी के लेफ्ट साइड में है। सो वाई डेल जेड डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, अदरवाइज आप इसको वाई ऑफ पी प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये भी आप लिख सकते हो, दैट इज द आंसर। तो एक बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब अगले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं एक से ज्यादा जब फंक्शन होंगे आर्बिट्री फंक्शन, तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं।